महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति एक बार फिर से सत्ता में आने की तैयारी में नजर आ रही है। IANS और मेट्राइज नाम की सर्वे एजेंसी द्वारा किए गए सर्वे में महायुति सरकार बदलती हुई नजर आ रही है। दो दिन पहले आए इस सर्वे में महायुति बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। क्या है IANS मेट्राइज का सर्वे और कितनी सीटें किसको मिलती हुई नजर आ रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसके कितनी सीटें मिलेंगी। मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल के अनुसार महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच चुनावी टक्कर के बाद चल रहे धुआंधार प्रचार अभियान का नतीजा सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में आने की संभावना है। सर्वेक्षण के अनुसार भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP का गठबंधन कांग्रेस और शिवसेना UBT और NCP SP पर आसान जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें भाजपा आसानी से 145 का आंकड़ा पार कर सकती है। 288 सदस्य वाली महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति गठबंधन को 145 से 165 सीटें और विपक्षी MVA को 106 से 126 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। क्या रहेगा वोट शेयर, ये भी आपको बता देते हैं। वोट शेयर के मामले में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का विपक्ष पर दबदबा रहने की संभावना है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 47% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। निर्दलीय और अन्य को 12% वोट शेयर मिलने की आशंका इस सर्वे में जताई गई है। भाजपा को पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और थाने कोंकण जैसे क्षेत्रों में भारी जनसमर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, जहां उन्हें 48% और 52% वोट शेयर मिलने की संभावनाएं जताई गई हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले MVA के लिए उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में भारी बहुमत मिल सकता है। इसमें 47% और 44% वोट उन्हें मिलने की आशंका जताई जा रही है। कौन है CM फेस के लिए सबसे पसंदीदा, ये भी आपको बता देते हैं। मैट्रिक्स के सर्वे के अनुसार एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद के सबसे पसंदीदा विकल्प बने हुए 40% जो मतदाता हैं उन्होंने ये सहमति जताई है। उसके अलावा उद्धव ठाकरे 21% और देवेंद्र फडणवीस 19% जो है वोट पाते हुए नजर आ रहे हैं। 65% से अधिक उत्तरदाताओं ने इस सर्वे में शिंदे सरकार से संतुष्ट है ये बताया है। 42% ने इसे अच्छा बताया है और 27% ने इसे अवसर बताया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के खराब प्रदर्शन के संभावित कारणों पर सवाल किए जाने पर लगभग 48% उत्तरदाताओं ने इसे दो दलों की, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन को लेकर भाजपा से नाराजगी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये सर्वेक्षण मैट्रिक्स पोलिंग एजेंसी द्वारा 10 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच किए गए थे। इस सर्वेक्षण में 1,00,000 से अधिक उत्तरदाताओं का नमूना एकत्रित किया गया था। तो इसके अनुसार जो सत्ताधारी महायुति है उसकी सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र में बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।